जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS News नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर आग में श्री रामानंद स्वामी आश्रम राख, जलकुंभी से अंबाजरी तालाब का अस्तित्व खतरे में। नागपुर में बेमौसम बारिश का दौर थमा, अब चढ़ेगा पारा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर आग में श्री रामानंद स्वामी आश्रम राख। मसाला में श्री रामानंद स्वामी आश्रम में रविवार 28 अप्रैल को अचानक आग लग गई। आग में आश्रम में रखी सामग्री जलकर राख हो गई। इसमें लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी संबंधितों ने दी है। कुंडाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर मसाला में श्री रामानंद स्वामी का आश्रम है। आश्रम में रविवार की रात अचानक आग लग गई। स्थानीय नागरिकों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आग में आश्रम के वातानुकूलित उपकरण, कूलर, पंखे, दोपहिया, जनरेटर, पाइप बंडल, 4 सोफा सेट, बेड, कुर्सियां सहित 15 क्विंटल गेहूँ, 5 क्विंटल तुअर की दाल व अन्य अनाज पूर्ण रूप से राख हो गया। इन सभी सामग्री की कुल कीमत 25 लाख रुपए होने की जानकारी आश्रम के सूत्रों ने दी है। आश्रम में अखंड ज्योति प्रज्वलित थी। दो दिनों से क्षेत्र में बदली थी तेज हवा के चलते आश्रम में जल रही ज्योति से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह जानकारी रामानंद महाराज ने दी है। आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। जलकुंभी से अंबाजरी तालाब का अस्तित्व खतरे में। सितंबर महीने में अंबाजरी तालाब के ओवरफ्लो होने से अढ़ाई बाढ़ ने नागपुर शहर में त्राही त्राही मचा दिया। जलकुंभी की वजह से तालाब के अस्तित्व के संकट को देखते हुए जुलाई 2023 से ही मनपा के घन कचरा व्यवस्थापन विभाग की तरफ से मशीन लगाकर जलकुंभी को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस गति से जलकुंभी निकाली जा रही है उससे कहीं अधिक तेजी से जलकुंभी बढ़ती जा रही है। रोजाना इस तालाब से 5 ट्रक जलकुंभी निकाला जा रहा है, फिर भी अंबाजरी तालाब का 90% हिस्सा जलकुंभी से घिर गया है। इससे तालाब की जैव विविधता संकट में पड़ गई है। साथ ही आने वाले मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में बेमौसम बारिश का दौर थमा, अब चढ़ेगा पारा। अप्रैल महीने में अब तक बेमौसम बारिश ने भीषण गर्मी से शहरवासियों को बचाए रखा था, पर अब पारे में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। सोमवार को दिन का तापमान 2.7 डिग्री चढ़कर 40.1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। अप्रैल के अंतिम दिन और मई के शुरुआती दो दिनों तक पारा 42 से 43 डिग्री तक पहुँचने के मौसम विभाग ने जताया है। आसार मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन कंटिन्यूटी की वजह से अप्रैल महीने में 20 दिन के आसपास बेमौसम बारिश और बादल छाए रहे। 42 डिग्री के नीचे ही बना रहा पारा। 40 डिग्री के आसपास चुनिंदा दिन ही दर्ज किए गए। सोमवार को मध्य विदर्भ से लेकर कर्नाटक तक विंड डिसकंटिन्यूटी का असर सिमट गया। इसी वजह से अब बेमौसम बारिश का दौर भी थमने के प्रबल आसार दिख रहे हैं। जानकारों की माने तो विदर्भ के अधिकांश जिलों में पारे के चढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। मई महीने में पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास बना रहता है। ऐसे में देखने लायक होगा कि मई महीना तपता है या नहीं। नागपुर में सोमवार को दिन में आर्द्रता 63% रही, जबकि शाम को चढ़कर 41% पर जा पहुंचा। हालांकि धूप छांव का दौर दिन भर चला। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।